अरे तो हम अभी है लोनावला में, हम जा रहे घर की तरफ मुंबई। सुबह गए थे पुणे और पुणे से अभी वापस जा रहे हैं घर पे। व्लॉग अभी क्यों शुरू कर रहा हूँ, अभी बज चुके शाम के 5। जल्दी जल्दी घर की तरफ निकलना है। और टाइटल देख के अगर आपको कुछ हिंट मिला होगा, आई डोंट नो, तो हमने हमारा कैमरा चेंज कर दिया है। हाँ, हमने 360 कैमरा को अभी ही यूज़ कर रहे हैं। तो वो क्यों यूज़ नहीं कर रहे, उसमें क्या इश्यूज़ थे या इश्यूज़ नहीं थे, हमने किस वजह से कैमरा चेंज किया है, सारी बातें मैं आपको बता देता हूँ। चलिए बाइक पे बैठते हैं, उससे आपको ऑडियो भी क्लियर सुनाई देगा और हम घर की तरफ भी निकल जाएंगे। जल्दी जल्दी घर पे पहुँच जाते हैं। आई डोंट नो अंधेरा होने से पहले पहुँचेंगे या नहीं, अभी लोनावला में ही है। होप सो हम पहुँच जाए जल्दी। चलो बाय। बहुत देर से खड़ा था, देख रहा था मैं क्या कर रहा हूँ जब मैं व्लॉग कर रहा था। तो आई होप ऑडियो क्लियर है। फिलहाल तो अभी कैमरा में जस्ट अभी लेके आ रहा हूँ, तो ऑडियो आ रहा है या नहीं आ रहा है, मैंने सिर्फ अपना पुराना माइक इस पर अटैच कर दिया है। तो देखते हैं घर पे आके हाउ द क्लिप टर्न्स आउट। और इसके पहले भी जो मैंने बाहर व्लॉग शुरू किया था वो इसी वजह से शुरू किया क्योंकि मुझे ऑनबोर्ड माइक जो है वो चेक करना था कैसा है। तो इससे पहले कि हम हमारा व्लॉग आगे बढ़ाए, हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो बहुत मिस किया हमने यूट्यूब को, 2-3 हफ्ते से हम व्लॉग नहीं कर पाए थे। तो कपल ऑफ वेडिंग्स थे घर में, एक्चुअली मुझे पता नहीं ये वन वे है या टू वे। ओके, तो 2 या 3 हफ्ते से हमने व्लॉग नहीं किया था। पहले तो शादी थे हमारे घर में, 2-3 रिलेटिव्स की शादी थी, तो उसके बाद हम थोड़ा बीमार पड़ गए तो उसकी वजह से हमें रेस्ट लेना पड़ा। लास्ट वीक में थोड़ा बहुत अच्छा फील कर रहा था लेकिन हमने व्लॉग नहीं किया। संडे को मैं जाके आया था हरिहरेश्वर टेम्पल और श्रीवर्धन बीच पर जाके आए थे, तो लेकिन तभी मैंने व्लॉग नहीं किया, थोड़ा सा मी टाइम और ले लिया। थोड़ी सी राइड करनी थी, ये व्लॉग वॉक का झमेला नहीं पालना था, तो तभी हमने व्लॉग नहीं किया। लेकिन कुछ पिक्स मैंने अपडेट किए हैं इंस्टाग्राम पे। आई गेस मैंने एक ही पिक अपडेट किया है मंदिर का, तो वो आप देख सकते हो। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ कर दीजिए। तो क्या तो चलिए टॉपिक पे आते हैं कि क्यों हमने हमारा कैमरा चेंज किया, कि क्या 360 कैमरा अच्छा नहीं है और क्यों हमने स्विच किया है अभी जिस कैमरा पे हम हैं। तो कौन सा कैमरा हमने लिया है, आई गेस मैं इसके लिए एक अलग सेपरेट व्लॉग बनाऊंगा। हो सकता है इसके बाद वाला व्लॉग में आपको उससे डिटेल्स दे दूंगा। तो हाँ, इंस्टा 360 कैमरा बहुत ही अच्छा है जो हमने लिया था। बहुत ही यूनिक फुटेजेस हम कैप्चर कर पा रहे थे उसमें, लेकिन हमने उससे ज़्यादा शूट नहीं किया जैसे हमने लिया था। हमारा ये जो गैप था 2-3 दिन का वो हो गया और उसके बाद हमने किसी वजह से डिसाइड किया कि वील हैव टू स्विच बैक टू GoPro। तो स्विच बैक, हमें एक अच्छी डील मिली, हमें अच्छी ऑफ़र मिली GoPro की तरफ से, तो हमने वो ले ली और हमारा एक कैमरा एक्सचेंज कर दिया। एक्चुअली इंस्टा 360 कैमरा इज़ अ वेरी गुड कैमरा, वेरी केपेबल कैमरा। आपने मेरे पिछले व्लॉग्स एक तो देखे होंगे जिसमें हमने 360 कैमरा के कुछ क्लिप्स दिखाए थे, बहुत ही अच्छे क्लिप्स आ रहे थे आपने देखे होंगे। बहुत ही यूनिक एंगल से हम शूट कर पा रहे थे। लेकिन क्या है कि जैसे हमारा चैनल अभी अच्छी तरह से ग्रो होना शुरू हो गया है एंड वील हैव टू अप द क्वालिटी ऑफ द चैनल, तो हमें बढ़ना है 4K की तरफ। तो जब भी हम इंस्टा 360 से कैमरा या वीडियो शूट करते थे, हाँ वो 5.7K में कैप्चर कर लेता है लेकिन वो पूरा 360 जो एरिया कैप्चर कर लेता है पूरा 360 वो 5.7K होता है। हमारे फ्रेम के लिए जो हमें फुटेज चाहिए हम उतना क्रॉप कर लेते हो, दैट इन देन इट कम्स नियरली टू 1080p। तो 1080p का ही फुटेज हो जाता है वो लगभग, और हमें बढ़ना है 4K की तरफ धीरे धीरे टू अप द क्वालिटी ऑफ आर चैनल। तो इसीलिए हमने 360 को गुड बाय कर दिया बहुत ही जल्दी लेते ही, बिकॉज इट वॉज सेंसिबल थिंग टू डू, क्योंकि कैमरा नया था और न्यूज़ था, हमें उसको हमें उसके अच्छी हमें वो ऑलमोस्ट सॉरी तो जैसे वो न्यू कैमरा था तो मुझे ऑलमोस्ट उतने पैसे वापस मिल गए जितने मैंने उसमें इन्वेस्ट किए थे। तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर मी, क्योंकि मैंने कुछ ऑफ़र में लिया था कैमरा, मुझे डिस्काउंट में मिला था और अभी उसी प्राइस में मैंने भेज भी दिया है। तो ऑल इन ऑल इट्स नॉट अ लॉस फॉर मी, बट हाँ बहुत ही अच्छा अपग्रेड मुझे मिल गया है फॉर माई चैनल। तो अभी जो कैमरा यूज़ कर रहा हूँ फ़िलहाल तो ये उसका फर्स्ट टेस्ट है। आई डोंट नो एंगल भी अभी फ़िलहाल कैसे आ रहा है हेलमेट से, मैंने बस लगा दिया। एक्चुअली मेरी बैग पूरी फिल्ड है उस कैमरा के बॉक्स और एक्सेसरीज़ के बॉक्सेस से के वजह से, तो आपका व्यू थोड़ा सा कट हो गया होगा, आई एम सॉरी फॉर दैट।
तो घर पे जाके मैं एक बार चेक कर लूँगा कि हाउ द फुटेज टर्न्स आउट एंड हाँ, एक सारी चीज़ें इसके चेक करने हैं। ऑफकोर्स GoPro है तो क्वालिटी अच्छी रहेगी, नो डाउट। स्लो मोशन एक्सेट्रा सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे होंगे जैसे पहले के GoPros में थे। तो एक जगह है जहाँ पे मुझे एक फ़ोटो निकालना है, लेकिन वहाँ पे पब्लिक नहीं होगी तो ही हम जाएंगे, वरना अगर कोई होगा तो इतना मज़ा नहीं आएगा, इतना अच्छा का शॉट नहीं आ पाएगा इंस्टाग्राम के लिए। तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं, तो थोड़े सिनेमेटिक्स लेके देख लेते हैं हाउ द फुटेज टर्न्स आउट। अभी तो फ़िलहाल ऑटो मोड पे है, मैंने जो गैप लिया था 2-3 वीक्स का वो खाली नहीं बैठा था। एक्चुअली मैं थोड़े फोटोग्राफी स्किल्स सीख रहा था ऑनलाइन ऑफलाइन भी। तो अभी तो कैमरा ऑटो मोड में है तो आई डोंट नो हाउ द वीडियो टर्न्स आउट। वैसे तो अच्छा ही आएगा, GoPro ऑलवेज कैप्चर्स वीडियो इन गुड क्वालिटी। बट अभी फ़िलहाल हम नेक्स्ट वीडियोज़ से फ्लैट वीडियोज़ रिकॉर्ड करने वाले हैं, उसके बाद हम एडिटिंग करते वक्त अपना कलर ग्रेड अपने खुद के हिसाब से करेंगे। तो वी आर लुकिंग इनटू दैट। एक्सीडेंट हो गया लगता है, मेजर नहीं है। वैसे जस्ट एन अपडेट फॉर द बाइक, हम कल जा रहे हैं बाइक की सर्विस कराना, इसकी थर्ड सर्विस है। हाँ, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा मैंने लास्ट मंथ में ही एक सर्विस कराया था, तो कोविड की वजह से हमारा पहला सर्विस डिले हो गया था, लेकिन कंपनी ने वो एडजस्ट कर टाइम पीरियड और किलोमीटर्स एडजस्ट करके हमें इम्यूनिटी दी थी फर्स्ट सर्विस के लिए, तो वो हमने करा ली थी लेट। उसके बाद सेकंड सर्विस भी थोड़ी लेट कराई थी क्योंकि फिर से एक छोटा सा लॉकडाउन हो गया था, उसके वजह से सेकंड सर्विस भी लेट हो गई थी, लेकिन वो भी कंपनी ने हमें प्रोवाइड की थी लास्ट मंथ में। तो वो लास्ट मंथ की सर्विस होने के बाद हमें कहा गया था कि थर्ड सर्विस आपको दिसंबर के एंडिंग या जनवरी के फर्स्ट वीक में ही करनी होगी टू कीप योर फ्री सर्विस एंड वारंटी इंटैक्ट। तो अभी ये फर्स्ट वीक तो अभी ख़त्म होने से पहले हमें जाना पड़ेगा सर्विस कराने, इसलिए हम कल जा रहे हैं सर्विस करने। एक्चुअली प्लान आज का ही था, लेकिन आज ये कैमरा के काम की वजह से हम यहाँ पे आ गए और सर्विस कराने नहीं गए। बहुत दिनों बाद ऐसे बात कर रहा हूँ, और बातें इसीलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी ऑडियो क्वालिटी से तो सभी चीज़ें चेक करनी है, क्या बीच में बंद तो नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत से GoPros में इशू होते हैं क्योंकि ऑटो कट ऑफ हो जाते हैं बीच में ही हीटिंग एक्सेट्रा की वजह से। अच्छा, तो इस पर वारंटी एक्सेट्रा सभी चीज़ है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, लेकिन फिर भी टेस्ट कर लेना अच्छा है क्योंकि कभी हम कहीं राइड पर निकल गए तो तभी ऐसा कुछ इशू नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अभी सारी चीज़ें चेक करके ले लेते हैं। तो यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, बहुत ही भूतिया सा स्ट्रक्चर बना है, बिल्डिंग है, देखते हैं अच्छा फ़ोटो आया तो। तो मैं फ़ोटो यहीं पे निकाल रहा था जबकि यहाँ का रास्ता वहाँ से है, मुझे पता नहीं था लोग वहाँ पे निकाल रहे हैं फ़ोटो। मैं बस आपको एक बार दिखा देता हूँ, तो एक बार देख लेते हैं वहाँ पे जाके भी। वैसे टाइम हो गया है, नहीं बाइक नहीं छोड़ रहे अंदर, लेकिन आई गेस मैंने सुबह देखा था बाइक्स को जाते हुए, लोकल्स होंगे शायद, तो बाइक नहीं छोड़ रहे तो मतलब नहीं है जाके। चलो, वैसे आपको दिख रहा होगा एयरप्लेन है वहाँ पे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मे भी शाम में क्लोज करते होंगे गेट फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रीजंस, तो अगली बार दिन में ही आ जाएंगे, क्योंकि जब मैं जा रहा था पुणे की तरफ तभी वहाँ बहुत से पब्लिक थी एंड आई गेस तभी हमें फ़ोटो निकाल लेना चाहिए था, नो इश्यूज़।
तो बहुत ही अच्छा लग रहा है YouTube पे वापस आके, बहुत दिनों का गैप हो गया था, तो फिर भी अच्छे खासे नंबर्स में हमें सब्सक्राइबर्स ग्रो हो रहे हैं, जो हमारे प्रीवियस वीडियोस देख रहे हैं, जिससे देख कर बहुत ही खुश हो गया था। और एक मोटिवेशन भी मिलता है कि आपको नए और अच्छे व्लॉग्स बनाने के लिए, और उन्हीं व्लॉग्स को बेहतर बनाने के लिए ही हमने हमारा कैमरा भी चेंज किया था फॉर अ बेटर क्वालिटी वीडियो। तो वीडियो एंड अभी नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद करूँगा। आप देख रहे हो जैसे सनसेट हो रहा है, तो अभी रात में उसका फुटेज कैसा आ रहा है इसका ऑन ऑटो मोड, वो देखना चाहता हूँ। सो दैट कल जब मैं इसको वापस फिर से टेस्ट करूँगा मैनुअल पे रख के, तो तभी कैसे वीडियो रिकॉर्ड होता है वो भी मुझे चेक करना है, कंपेयर करना है। तो इसीलिए हम थोड़ा आगे जाके, यानी घर पे पहुँचने तक आई गेस अंधेरा तो हो ही जाएगा, तो तभी वीडियो को एंड करेंगे। तो चलिए आगे मिलते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं चेंबूर, ऑलमोस्ट सनसेट हो गया है, रात होने वाली है, तो थोड़ा सा और रिकॉर्ड कर लेते हैं एरिया में, देखते कैसे रिकॉर्ड आते हैं नाइट में एज़ कम्पेयर टू माय हीरो 7 जो पहले अपने पास था। शिवाजी महाराज की जय। तो हो गया है अंधेरा ऑलमोस्ट, और हम पहुंच गए हैं घर की तरफ। तो आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा, वैसे इसमें कुछ था नहीं, बस अपना एक कमबैक व्लॉग था दो तीन वीक्स के गैप के बाद। तो कैमरा टेस्ट करना था जैसे मैंने आपको कहा, वो कर दिया है, लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। तो अभी डेली व्लॉग्स नहीं तो नहीं आएंगे, लेकिन अपने जो नॉर्मल व्लॉग्स जैसे एक दो दिन के गैप में आते थे वैसे आते रहेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट एंड थैंक यू फॉर योर कंटिन्यूड सपोर्ट। तो मिलते हैं अगले ही ऐसे किसी व्लॉग में, अंटिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ।